प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। स्टूडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्रियो, आपने बहुत सारे सर्चों के बारे में सुना होगा। बहुत सारे सर्चों में अलग अलग नियम रहते हैं, लेकिन एक ऐसा सर्च है वहाँ पर क्या किया जाता है कि दारू पिया जाता है। दारू पीकर परमेश्वर की आराधना किया जाता है और दारू से उनका अभिषेक करते हैं और दारू लगाकर उन पर प्रार्थना करते हैं। ये सब कुछ वो करते हैं उनके सर्च। ये चर्च अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में ये सर्च पाया जाता है। प्रियो, वहाँ पर बहुत सारे सर्च भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी गलत शिक्षाओं और गलत धारणाओं में फंसे हुए सर्च भी पाए जाते हैं। प्रियो, हमारे देश में भी कई सारे अलग अलग सर्च, अलग अलग मंडली, अलग अलग संस्थाएं पाई जाती हैं और उनका अलग अलग नियम रहता है। प्रियो, तो हम देखने जा रहे गोबोला सर्च, जो कि एक साउथ अफ्रीका का है, वहाँ पर प्रियो क्या है, दारू पीकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और दारू के ही माध्यम से उनका पूरा सर्च जुड़ा हुआ है। प्रियो, और वहाँ पर बिशप और वहाँ के पास्टर्स लोग और वहाँ के विश्वासी सभी लोग क्या करते हैं, जब भी चर्च में आते हैं तो क्या करते हैं, दारू लेकर आते हैं और दारू पीकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और वहाँ पर वचन पढ़ते हैं और वहाँ पर अपने अपनी मन पसंदीदा दारू लेकर आते हैं, ब्रांडेड कंपनियों की दारू लेकर आते हैं और वहाँ पर पास्टर उस दारू के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका मानना है कि ये शुद्ध हो जाता है, एक अच्छा बन जाता है, इस तरह से उनका मानना है। प्रियो, हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में 78% क्या है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन बहुत सारे इस तरह का चलता है। प्रियो, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गोबोला सर्च का अर्थ है ड्रिंकिंग। आप देख सकते हैं प्रियो, वहाँ पर उस सर्च का नाम गोबोला यानी कि ड्रिंकिंग। आप देख सकते हैं कि ये एक गलत बात है प्रियो, ये सर्च में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि दारू पीना एक अच्छी बात नहीं, एक बुरी बात है। प्रियो, और वहाँ पर वो कहते हैं, उनका मानना है कि ज़्यादा शराब पीने से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जा सकते हैं, इस तरह से उनका मानना है। प्रियो, और वहाँ पर उन सर्च पर बैन भी लगाया गया था, उनको कई बार गवर्नमेंट की ओर से उनको पकड़ने का ऑर्डर भी आ गया था, लेकिन वो क्या करते, इधर उधर भागते रहते और अपना इस तरह से उनका चर्च वो चलता रहता है। प्रियो, तो ये एक हम देख रहे कि अपने इस क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा इस तरह से अलग अलग प्रकार का फैल रहा है, जिस तरह से परमेश्वर का वचन भी कहता है हमको दारू नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम इफिसियों की 5 अध्याय उसका 18 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, और दाक्षरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्णित होते जाओ, इस तरह से कहा गया। प्रियो, क्या है, दाक्षरस से मत वाले पन न बनना, क्या है, इससे लुचपन ही होता है, जो भी दारू पीता है उससे क्या है, लुचपन ही पैदा होता है। इसलिए प्रियो क्या है, हमको क्या है, दारू नहीं लेकिन आत्मा में हमको परिपूर्णित होना है। प्रियो, हम प्रार्थना में हमको परिपूर्णित होना है। जितने भी दारू पीते हैं उन सभी को ये याद रखने की जरूरत है कि दारू छोड़कर कि इसमें आत्मा में परिपूर्णित होना है। प्रियो, प्रियो ये गोबोला सर्च वहां पर क्या है, ये एक गलत बात है। प्रियो, यदि आपके सर्च में आपके लोग, यदि आपका पास्टर्स यदि ऐसे करते हैं तो आप उस चर्च में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक गलत बात है। प्रियो, हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस समय हम देख रहे हैं कि ये अंत की घड़ी है, बहुत सारे ऐसे झूठी शिक्षाओं और झूठे अलग अलग प्रकार के लोग आ सकते हैं, लेकिन हम सभी को आत्मा से परिपूर्णित होते हुए आगे बढ़ना है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमको तैयार होना है। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की स्टूडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। May God bless you and give you everything that you need now and forevermore, for thy is the kingdom, the power and the glory.